हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने बेपरवाह होकर पतंगबाजी की, जिसके कारण हजार से अधिक पक्षी घायल हुए हैं। वहीं 150 से अधिक पक्षियों की मांझे से कटकर जान चली गई। चांदनी चौक स्थित बर्ड हॉस्पिटल में सैकड़ों की तादाद में वो पक्षी हैं जो कि पतंगबाजों के शौक के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। भले ही इस बार चाइनीज मांझे पर रोक लगी हो, लेकिन हिंदुस्तानी मांझों की वजह से भी पक्षियों के जीवन पर उतना ही असर पड़ा। अब तक कितने पक्षी जो हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर मांझे से घायल? हमारे पास तकरीबन 1500 पक्षी घायल आ चुके हैं यहाँ। और ये सारे मांझे से घायल थे? मांझे से हैं, पंखे से हैं, ज़्यादातर मांझे से वाले आ रहे हैं। और ये 1500 कब से कब तक हैं? 1 तारीख से 15 अगस्त तक? हाँ, 1 तारीख से 15-16 अगस्त तक 1500 पक्षी आ चुके हैं हमारे पास। इसमें चीले भी हैं, कौवे भी हैं, पीकॉक भी है, काफ़ी पक्षी आ गए हमारे। अच्छा, और कुछ जख्मी किस तरह से होते हैं? ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं या साधारण जख्मी होते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं, उड़ने लायक होते हैं? जख्मी आज ये पंखे से भी घायल होते हैं जी। कभी कभी पंखा इतना शार्प हो भाई उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं, तो पूरी ज़िंदगी हमारे पास रहते हैं। और जो 15 अगस्त का टाइम चल रहा है ये इससे जो मांझा है वो इतना ज़्यादा शार्प है, चाइनीज मांझा है, कि इसके हड्डियाँ मतलब हड्डियों को ये काट देता है जी। अच्छा, तो ये फिर दोबारा उड़ तो पाता नहीं होगा? नहीं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे, जो हैंडीकैप जिसकी बाजू कट गई है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, वो यहीं पे रहेगा। और जो थोड़ा बहुत कट जाते हैं उनको हम लोग सीलते हैं, टाँकियों को लगाते हैं, उसके बाद फ्री कर देते हैं। करीब 1500 पक्षी अस्पताल में भर्ती हुए, जिससे करीब 80% पतंगबाजी का शिकार हुए हैं। पक्षियों के अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से 15 अगस्त तक रोजाना करीब 10 पक्षियों की मृत्यु हुई है। वहीं कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो कि जिंदगी भर अब उड़ नहीं सकते, और यह आंकड़ा सिर्फ एक अस्पताल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।